ओके हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम आफरीन नस्मत है और आप सबका अन अकेडमी लाइव एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हो आप सब। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके, आज आप सबका क्विज किसके ऊपर है। आज आप सबका क्विज स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है। तो सबसे पहले तो बताओ, आज की क्लास के लिए तैयार हो आप सब। हाँ जी, मेरे को ऑडियो और वीडियो का एक बार बता दो मुझे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है तुम सबको। ऑडियो क्लियर है, एक बार कंफर्मेशन दे दो बेटा, ऑडियो वगैरह क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरीके से। गुड इवनिंग विनोद कुमार, गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। अच्छा प्यारे लाल यादव जी, मैं क्या बोलूं आपसे। ओके मैम, ऑडियो वीडियो क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो जल्दी से क्या करो, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। भाई आज स्टैटिक जीके का क्विज है, आप सब जानते हो ये क्विज कितना इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करो और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो ताकि हम अपने क्लास को स्टार्ट कर सके, ठीक है। menti.com का जो बेटा आज की क्लास पे क्विज होने वाला है वो लास्ट में होगा। पहले हम अपने पूरा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि आप सब ने ये कितने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि लास्ट में menti.com का क्विज आप सबका होने वाला है, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग तनिष्क, गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो तो जल्दी से बताओ क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ जी चलो बेटा, क्लास को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताना। ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग आशी अग्रवाल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो भाई ज्यादा से ज्यादा जल्दी से इसे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और लास्ट में आप सबका menti.com का क्विज भी होने वाला है। चलो स्टार्ट करें क्लास को, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इट्स ओके, कोई सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन करें। ओके ध्यान से सुनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट गेटवे, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा आखिरकार कौन सा है। चार ऑप्शन है, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाजा और चार मीनार। आपको बताना है इन चारों में से द हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा है। अब हम बात करते हैं ये सब कौन से हैं। इंडिया गेट कहां पर है बेटा, इंडिया गेट तो दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। बुलंद दरवाजा कहां पर है, बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है बेटा, फतेहपुर सीकरी में। और चार मीनार की अगर हम बात करते हैं तो वो कहां पर है, हैदराबाद। तो आपको बताना है इन चारों में से द सबसे ऊंचा दरवाजा, हाईएस्ट गेटवे आखिरकार कौन सा है। तो इसका सही आंसर है दैट इज सी, यानी बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है गेटवे है इंडिया का, जो कि कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा यहां पर चलते रहेंगे, देखते रहना। क्वेश्चन नंबर आपके यहां पर चलते रहेंगे, देखते रहिएगा, ऊपर नंबर लाइन चल रही है, ठीक है। परफेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई जल्दी से क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। menti.com का क्विज होने वाला है और लास्ट में कम से कम 100 से ऊपर स्टूडेंट्स होने चाहिए ताकि हम menti.com का क्विज अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। आज क्लास के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। द हाइएस्ट या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कौन से राज्य की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हाइएस्ट या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा ऊंची है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, हाँ जी अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, आज तो पढ़कर आए हो तुम सब और सदा खुश भी दिखाई दे रहे हो, सब सही आंसर दे रहे हो। तो इसका सही आंसर है दैट इज डी, यानी गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया में वो स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। डन बेटा, लास्ट तक बने रहना, menti.com का क्विज हम अपनी क्लास के आखिरी में इस करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन इंडिया।
निम्न में से कौन सा नदी बांध सबसे लंबा है? चार ऑप्शन है, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, तेहरी डैम और कल्लानी डैम। इन चारों में से द लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर डैम इंडिया का कौन सा है? हाँ जी, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, अभी ज्यादातर लोग कह रहे हैं ए, दैट इज भाखड़ा डैम, और कुछ लोग हीराकुंड डैम की कह रहे हैं, यानी ए और बी में कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो रही है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इसका सही आंसर है दैट इज बी, यानी हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर डैम है इंडिया का। अब यहाँ पर बाकी के डैम के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाखड़ा डैम क्या है। बेटा भाखड़ा डैम जो है वो है हाइएस्ट ग्रेविटी डैम। कभी पूछा जाए ना क्वेश्चन कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो वो कौन सा है, भाखड़ा डैम है। अगर हम बात करते हैं हीराकुंड डैम, तो ये कहां पर है, तो ये महानदी रिवर पर है। इट इज ऑन महानदी रिवर, याद रखिएगा। कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, तो हीराकुंड डैम जो है महानदी पर या महानदी रिवर पर है। टेहरी डैम की अगर हम बात करते हैं, तो ये हाइएस्ट ऑल्टीट्यूटेड डैम है, हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड डैम है, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड भी। और कल्लानी डैम की बात करते हैं, तो ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट डैम है, इट इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। तो चार तो यहीं से क्वेश्चन निकला है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखड़ा डैम, लॉन्गेस्ट रिवर डैम हीराकुंड डैम, तेहरी डैम जो है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड डैम है, और कल्लानी डैम जो है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम है। डन, बढ़िया, समझ में आ गया यहां तक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, दैट इज हीराकुंड डैम। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर ऊपर चल रहा है, देखते रहना यहाँ पर। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जिसकी सबसे ऊंची या अधिक ऊंचाई पर है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। चार ऑप्शन है आप सबके सामने, पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है लेह और चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा हवाई अड्डा है, शिमला, सिक्किम, लेह और माउंट आबू। जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है सी 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 कह रहे हैं, दैट इज लेह। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं बेटा, तो इसका सही आंसर है सी, दैट इज लेह। ये जो भी है जो सी सी लगातार कह रहा था, इनका सही आंसर है विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, दैट इज लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर मिलिट्री फॉर ब्रेवरी इन वॉर फील्ड, यानी निम्न में से कौन सा युद्ध भूमि में सैन्य वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चार ऑप्शन है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र। इन चारों में से आपको बताना है द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री फॉर ब्रेवरी, यानी वॉर फील्ड पर ब्रेवरी दिखाने के लिए हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडिया का कौन सा है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र। हाँ जी, तो परमवीर चक्र जो है वो उन्होंने कहा जय ने, देन उसके पास समीर ए कह रहे हैं, बाकी सब भी ज्यादातर बच्चे जो है ए कह रहे हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर भी क्या है बेटा, ए, दैट इज परमवीर चक्र। डन, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बेटा लाइक करते जाओ, एटलीस्ट जितने स्टूडेंट है उतने लाइक तो दिखने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करते जाओ, उसको शेयर करते जाओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि menti.com के क्विज में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि हमारे क्लास के आखिरी में चलने वाला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द ऑड वन आउट, निम्न में से आपको ऑड वन आउट पिक करना है। चार ऑप्शन है, सेंट कैथेड्रल चर्च, जामा मस्जिद, गोल्डन टेम्पल एंड कैलाश टेम्पल। इन चारों में से आपको ऑड वन आउट टिक करना है। अब ऑड वन आउट का आपको समझना है पैटर्न कि ये चारों चीज क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आपको ऑड वन आउट पिक करना है। सेंट कैथेड्रल, जामा मस्जिद, गोल्डन टेम्पल और कैलाश टेम्पल, इसमें से ऑड वन आउट क्या है। अगर हम सेंट कैथेड्रल की बात करते हैं, तो ये इंडिया का क्या है, लार्जेस्ट चर्च है, ठीक है। ये इंडिया का क्या है बेटा, लार्जेस्ट चर्च। जामा मस्जिद जो है इंडिया की लार्जेस्ट मस्जिद है। गोल्डन टेम्पल जो है इंडिया का लार्जेस्ट गुरुद्वारा है।
लेकिन अगर कैलाश टेम्पल की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट मंदिर नहीं है, यानी बाकी के तीन जो है इंडिया के फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, बाकी के तीन इंडिया के फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन कैलाश मंदिर जो है या कैलाश टेम्पल जो है बेटा, वो इंडिया का लार्जेस्ट मंदिर नहीं है। लार्जेस्ट मंदिर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, स्टैटिक जीके के ही पोर्शन में पढ़ाया हुआ है। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? इसका सही आंसर है डी, कैलाश टेम्पल, क्योंकि बाकी के तीन जो थे वो इंडिया के लार्जेस्ट में से या फर्स्ट नंबर में आते थे, बट कैलाश मंदिर इंडिया के फर्स्ट नंबर पर नहीं आता। डन, समझ में आ गया जल्दी इसे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा, कल के तुम लोग ने चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करी थी या नहीं करा था बेटा? कल का चैंपियनशिप था तुम लोग का 8 बजे, तो उम्मीद करती हूँ उस चैंपियनशिप में तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करोगे तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का फ्री मिलेगा, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा और बढ़िया इनाम है, ठीक है। ओके, और इस पूरे सेशन की बेटा पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तुम्हें इस पूरे सेशन की, तो पीडीएफ चाहने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसे फॉलो करोगे तो इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not correctly matched? निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? चार ऑप्शन है, वुलर लेक फ्रेश वाटर, सांभर लेक सॉल्ट वाटर, चिलिका लेक फ्रेश वाटर, पुलिकात लेक सॉल्ट वाटर। आपको बताना है कि इनको देखो और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है, वुलर, सांभर, चिलिका और पुलिकात लेक। हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए। इसमें से कौन सा बेटा आपको बताना है करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ जी, इसका सही आंसर क्या है बेटा? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। ओके, तो अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं, अब मैं आप सबके कमेंट्स देख रही हूँ। सी, ज्यादातर लोग सी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब। इसका सही आंसर है दैट इज सी, यानी चिल्का लेक। चिल्का लेक बेटा फ्रेश वाटर लेक नहीं है। चिल्का लेक कौन सी वाटर लेक है? सॉल्ट वाटर लेक है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब अगर हमने देखा तो बाकी सब बेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। वुलर, सांभर, चिल्का, पुलिकत, अगर हम बात करते हैं वुलर, सांभर और पुलिकत, ये तीनों सही है, बट चिल्का इज नॉट फ्रेश वाटर लेक, इट इज सॉल्ट वाटर लेक। चलो बताना स्टार्ट करो, कौन सा कहां पर है बताना स्टार्ट करो। वुलर लेक कहां पर है? वेयर इज वुलर लेक? वुलर लेक आखिरकार कहां पर है भाई? पता होना चाहिए ना कि स्टैटिक जीके से हम सारी चीज रिलेटेड याद करते चले। वुलर लेक बेटा कहां पर है? श्रीनगर पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सांभर लेक, तो सांभर लेक बेटा कहां पर है? राजस्थान पर, राजस्थान पर। चिल्का लेक अगर हम बात करते हैं तो वो कहां पर है बेटा? ओडिशा, ओडिशा में है चिल्का लेक। एंड पुलिकात लेक की बात करते हैं तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश पर पड़ती है, ठीक है। ये है हमारे लिए पुलिकात लेक। डन, तो ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है भाई। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ। इंपॉर्टेंट आप सबके लिए क्वेश्चंस हैं ये, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस ऑलवेज आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल इज कॉल्ड एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रीय जल जीव आखिरकार कौन कहलाता है? चार ऑप्शन है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, सुसु, रिपर, डॉल्फिन, गोंज, कैटफिश और डुडोंग, सिरेनिया। आपको बताना है इन चारों में से, आपको ये बताना है कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया आखिरकार कौन है? मगरमच्छ, मगरमच्छ क्रोकोडाइल तो नहीं होगा ना, और उसके बाद क्या है? सुसु, रिवर डॉल्फिन, गोंज, कैटफिश और डुडोंग यानी सिरेनिया। तो इसका सही आंसर क्या है? ओहो, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए भाई। निधि तिवारी कह रही हैं बी, राहुल कह रहे हैं बी, और विजय दीक्षित कह रहे हैं बी, ठीक है। शाह नवाज कह रहे हैं बी, ज्यादातर जो है वो बी कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? इसका सही आंसर है दैट इज रिवर डॉल्फिन। अच्छा, रिवर डॉल्फिन के और भी बहुत सारे नाम है। रिवर डॉल्फिन की अगर हम बात करते हैं, उसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि इसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, ठीक है।
इसी को हम क्या कहते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, इसी को हम शुशुक भी कहते हैं, शुशुक भी इसका एक नाम है। अगर हम बात करते हैं इसको प्लैनेट जिंटा गैंगेटिका भी कहते हैं, इसकी विजन ब्लाइंड होती है और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज पे लिस्टेड है। ये किस में लिस्टेड है बेटा, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज में लिस्टेड है गैंगेटिक डॉल्फिन। डन, बढ़िया। तो उसका सही आंसर क्या है, रिवर डॉल्फिन, दैट इज सुसु रिवर डॉल्फिन। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अरे इसमें नाम में इतनी हंसी वाली कौन सी नाम हो गई भाई, ये नाम मैंने थोड़ी ना रखा है, ये तो खुद इन लोगों ने रखा है, हम क्या कर सकते। आपके इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा था अभी, चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत खुशी होती है कि तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने पे इतना पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम लोग को इतनी पसंद आने लगी इकोनॉमिक्स, वाह, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एंड नॉट डेथ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इसमें से कौन सा मार्टियर डे ओकेजन ऑफ बर्थ यानी बर्थ के ओकेजन में मनाया जाता है, ना कि डेथ के ओकेजन पर? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो मार्टियर डे में डेथ के ओकेजन पर सेलिब्रेट करने वाले शहीद दिवस जो है मनाए जाते हैं, लेकिन बर्थ पर सेलिब्रेट करने वाले शहीद दिवस आखिरकार कहां पर मनाए जाते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, 30 जनवरी महात्मा गांधी, 23 मार्च शहीद भगत सिंह, 17 नवंबर लाला लाजपत राय और 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इन चारों में से कौन सा मार्टियर डे है बेटा जो कि ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ यानी जन्म पर मनाया जाता है, न कि देहांत पर मनाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो डेट इज डी यानी रानी लक्ष्मीबाई, डी इज द करेक्ट आंसर। डन, बाकी सब जो है याद रखना, बाकी सब जो है वो बर्थ एनिवर्सरी पर नहीं, सॉरी डेथ एनिवर्सरी पर मनाए जाते हैं, लेकिन ये बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन टेरिटरी अदर देन दिल्ली हैज अ चीफ मिनिस्टर? दिल्ली के अलावा कौन सा अन्य केंद्र प्रशासित राज्य है जहां पर कोई भी मुख्यमंत्री होता है? चार ऑप्शन है, अंडमान एंड निकोबार, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। भाई आप जानते हैं दिल्ली में तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन क्वेश्चन यहां पूछा गया है कि दिल्ली के अलावा कौन सी अदर यूनियन टेरिटरी है जहां पर आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर क्या है, अंजी आंसर देना स्टार्ट करिए भाई, और ये भी बताना है आपको कि कौन है वहां के चीफ मिनिस्टर, ये भी बताना है आपको। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है, इसका सही आंसर है दैट इज बी यानी पौंडीचेरी। एक हमारे दिल्ली में सीएम है और एक पौंडीचेरी पर सीएम है, और इसके करंट सीएम का नाम क्या है कोई बता सकता है? इनके करंट सीएम है वेलु नारायण स्वामी, ठीक है, ये है इनके करंट सीएम, और यहीं की जो गवर्नर है वो कौन है, यहाँ की गवर्नर कौन है, यहाँ की गवर्नर है किरण बेदी फिलहाल। डन, इतना समझ में आ गया बेटा? यस, नहीं भाई इसके चीफ मिनिस्टर आपको बताना है, चीफ मिनिस्टर फिलहाल कौन है, वेलु नारायण स्वामी है, और देन उसके बाद इसके गवर्नर की बात करते हैं बेटा, तो गवर्नर कौन है फिलहाल, किरण बेदी है, ठीक है। और हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का नाम तो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, है ना भाई। अगर पसंद आ रहा है और सेशन के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करो और शेयर करते चलो। लास्ट में menti.com का क्विज भी होने वाला है, और menti.com के क्विज में भी आप सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड अ नेशनल पार्टी? इसमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, नॉट लिखा है, यस का नाम मत लेना। इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी यानी एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है? चार ऑप्शन है, अ पार्टी शुड विन 2% ऑफ द सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 different states यानी 3 अलग-अलग राज्यों से पार्टी जो है वो कम से कम 2% सीट उसकी लोकसभा में होनी चाहिए।
A party polls 6% of the vote in any four or more state and win four Lok Sabha seat. यानी पार्टी के 6% से ज्यादा वोट होने चाहिए चार या अन्य स्टेट पर, उसके अलावा चार लोकसभा की सीट होनी चाहिए. तीसरा, अ पार्टी गेट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन फोर स्टेट, यानी कम से कम चार राज्यों में वो राज्य पार्टी के रूप पर रिकॉग्नाइज करी जाती हो. चीफ मिनिस्टर ऑफ एटलीस्ट थ्री स्टेट मस्ट बिलोंग टू दैट पार्टी, यानी तीन चीफ मिनिस्टर स्टेट के जो है उसी पार्टी से होने चाहिए. इन चार शर्तों में से कौन सी शर्त ऐसी है बेटा जो कि नेशनल पार्टी बनने के लिए जरूरी नहीं है? नहीं शर्त की बात करना है, जरूरी नहीं है. क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से भाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो अगर हम इसके सही आंसर की बेटा बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दैट इज डी, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ थ्री स्टेट मस्ट बिलोंग टू दैट पार्टी. यानी ये कोई कंडीशन नहीं है जिसके कारण जो है नेशनल पार्टी को रिकॉग्निशन दिया जाए. तो इसका सही आंसर है डी. बाकी सब है, यानी ये भी पार्टी होने का शर्त है, ये भी पार्टी होने का शर्त है, ये भी होने का शर्त है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर है. ये कोई भी शर्त नहीं है नेशनल पार्टी के रिकॉग्निशन के लिए. डन, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें से कौन सी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं है? चार ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी. आपको बताना है बेटा कि इन चारों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी के द्वारा या नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं है. चार ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी. आपको इसका सही आंसर देना है. तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें से कौन सी पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसका सही आंसर है ए, दैट इज आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी इसका रिकॉग्निशन नहीं है. डन, ओके. तो अब बाकी की बात करते हैं. तो सिक्स नेशनल पार्टी है, विकिपीडिया में शायद आठ दे रखी है जो कि नहीं है. सिक्स नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन है. एक है BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बाकी के ये तीन. यानी ये नेशनल पार्टी तो है ही, ये तीन तो है ही, लेकिन इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, BJP है, ठीक है, और उसके अलावा कौन सा है, कांग्रेस पार्टी भी है, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी. डन, ओके, परफेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नारी शक्ति पुरस्कार इज अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बताना है नारी शक्ति अवार्ड जो है इसमें से किसको दिया जाता है. चार ऑप्शन है, वुमेन टू रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट, महिलाएं को दिया जाता है ताकि वो उनका क्या करें, उनका अचीवमेंट रिकॉग्नाइज किया जा सके. वुमेन हु फाइट्स अगेन इनजस्टिस, यानी जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़े उन महिलाओं को दिया जाता है नारी शक्ति अवार्ड. देयर हस्बैंड टू हेल्प इन हाउस होल्ड, यानी ये तो बिल्कुल बेकार सा ऑप्शन है, यानी उनके पतियों को उनके काम पर, घर के काम पर जो मदद करवाते हैं उन बीवियों को आपको नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है. या फीमेल CEOs ऑफ MNCs, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी की CEOs हैं उनको दिया जाए. आपको बताना है इन चार में से नारी शक्ति पुरस्कार आखिरकार किसको दिया जाता है. नारी शक्ति पुरस्कार इज गिवन टू, आखिरकार नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया जाता है. तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज वुमेन टू रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट, यानी वुमेन जो उनके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए नारी शक्ति अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, बढ़िया. तो ए इज द करेक्ट आंसर. डन, यहां तक समझ में आ रहा है? क्या बात है भाई, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करते चलो और शेयर करते चलो बेटा, बच्चों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो ताकि आखिरी में हम menti.com का क्विज भी कंडक्ट करवा सके. आज की क्लास में लास्ट में हमारे लिए क्या है, menti.com का क्विज भी होने वाला है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द ऑल वुमेन क्रू ऑफ इंडियन नेवी विच सर्कम नेविगेटेड अराउंड अर्थ यूज्ड विच बोट, यानी कौन से बोट में जो है ऑल वुमेन क्रू, इंडियन नेवी का ऑल वुमेन क्रू जिसने पूरे अर्थ का सर्कम नेविगेटेड किया था वो किस बोट में किया था. चार ऑप्शन है,
INS तरंगिणी, INS तरिणी, INS महदी और INS वी सुदर्शिनी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सी पोर्ट का इस्तेमाल करके ऑल वुमेन क्रू ने क्या किया, ऑल वुमेन क्रू ने अर्थ के अराउंड जो है चक्कर लगाया। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है, अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज INS तरिणी। INS तरिणी इज द करेक्ट आंसर। डन, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इसमें से कौन से ग्रुप में इंडिया का मेंबर नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, हाँ जी चलो आंसर देना स्टार्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इसमें से किसका इंडिया मेंबर नहीं है। चार ऑप्शन है, सार्क, एशियान, बिम्स्टेक और SCO, ठीक है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एशियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है इन चारों में से इंडिया किसका ग्रुप आखिरकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो दैट इज बी, यानी इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। डन, समझ में आ गया। ओके परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज वॉज क्रिएटेड बाय विच IIT प्रोफेसर। इंडियन रुपी का जो सिंबल है वो कौन से IIT प्रोफेसर के द्वारा डिजाइन किया गया है। चार ऑप्शन है, नंदिता कोरिया मेहरोत्रा मल्होत्रा, हितेश पद्मशाली, शिबिन के और डी उदय कुमार। इन चारों में से इंडियन रुपी का जो सिंबल है वो कौन से IIT प्रोफेसर ने डिजाइन किया। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या है बेटा। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट जो है डी आंसर दे रहे हैं, भाई इंडियन रुपी का ये जो हमारा सिंबल है, नया सिंबल आया था, इसको कौन से IIT प्रोफेसर ने डिजाइन किया है। हाँ जी, हेलो शिवम राज बेटा, चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। तो अगर हम इसके सही आंसर की बेटा बात करते हैं तो इसका सही आंसर है दैट इज डी, यानी डी उदय कुमार ने ये जो हमारा रुपी का सिंबल है, इस रुपी के सिंबल को डिजाइन किया। ये है हेड ऑफ डायरेक्टर यानी HOD है, किसके डिजाइन के, IIT गुवाहाटी के। IIT गुवाहाटी के ये HOD है डिजाइन के, जिन्होंने हमारे इंडियन रुपी को डिजाइन किया। न्यू बेटा, भाई ये सिंबल तो नया ही है ना, पुराना सिंबल तो RS है, इसको तो डिजाइन करना ही नहीं है, ठीक है। तो नया सिंबल क्या है, नया सिंबल रुपीज है, ठीक है। तो इसको किसने डिजाइन किया, डॉक्टर डी उदय कुमार ने डिजाइन किया। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स व्हाइल मूविंग नॉर्थवर्ड रिप्लेस्ड विच ओशन टू फॉर्म हिमालय। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करते हुए आपको बताना है कि कौन से ओशन को रिप्लेस किया ताकि हिमालय बन सके। चार ऑप्शन है, एपिटस ओशन, एगियर सी, मोसिन सी और तेथिस सी। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से ओशन को रिप्लेस करके हिमालय बना ड्यू टू द मूवमेंट इन द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक या थ्योरी आपको मैं बोलूं अगर कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी किसको दी थी या किसके द्वारा दी गई, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक जो है वो दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। ये मैंने आपको लास्ट स्टैटिक जीके का जब क्विज लिया था तब मैंने आपको बताया था कि एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या दिया गया, एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो कौन से ओशन को मूव करके जो है हिमालयस बना, तो इसका सही आंसर है डी, दैट इज तेथिस सी, ठीक है। बढ़िया, ओके बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते जाओ और लाइक करते जाओ, क्योंकि अगर हमसे स्टूडेंट जुड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हम menti.com का क्विज कंडक्ट करवाएंगे जो कि क्लास के आखिरी में है। menti.com का क्विज क्लास के लास्ट पर होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करते जाओ और ज्यादा से ज्यादा बेटा इसे शेयर करते जाओ। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स वर हेल्ड एट सिटी ऑफ रामसर, इन विच कंट्री इज दिस सिटी? रामसर कन्वेंशन, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, ठीक है, इसको जो है रामसर सिटी पर हेल्ड किया गया है. आपको बताना है कि कौन से कंट्री पर है ये सिटी. चार ऑप्शन है, ईरान, इंडिया, इराक और इजराइल. सिंपल क्वेश्चन है, बस इतना आंसर देना है कि रामसर जो सिटी है वो इसमें से कौन सी कंट्री पर है. तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करिए भाई. यस, रामसर कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड ये आखिरकार कब हेल्ड करी गई थी? तो याद रखिएगा, ये 1971 पर हेल्ड करी थी. अब रामसर कन्वेंशन आपको बताना है इसमें से कौन सी देश पर है. तो इसका सही आंसर है दैट इज डी, यानी ईरान पर है. ईरान पर ये कन्वेंशन रखी गई थी 1971 पर. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, ओके. यहां तक किसी का कुछ खास कमेंट. मैम, क्लास परचेज करना है आपका, शिवम राज, अगर आपको मेरा क्लास परचेज करना है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा. अनअकैडमी प्लस में एसएससी कैटेगरी का आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है. ठीक है, एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो आप अगर मेरा कोड लगाते हैं, जो कि क्या है, आफरीन 111, इस कोड को लगाएंगे तो आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, आप एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन खरीदे, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी. मंडे से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक. ये प्रैक्टिस सेशन है, तो जरूर से इस बैच को ज्वाइन करिए, आप बिल्कुल करिए. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. menti.com का क्विज बेटा इस क्लास के आखिरी में होने वाला है, सबर रखो, सबर रखो. अभी 18 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन के बाद menti.com का क्विज ही होने वाला है बेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ मेनी रामसर वेटलैंड साइट्स इन इंडिया आर देयर? इंडिया में कितने रामसर वेटलैंड साइट्स है? चार ऑप्शन है, 25, 37, 52, 69. इन चारों में से आपको बताना है कि इंडिया में कितने रामसर झीलें हैं, वेटलैंड साइट्स इंडिया में कितनी हैं? 25, 37, 52, 69. हां जी, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए. ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते जाओ और लाइक करते जाओ, ताकि menti.com के क्विज में आप पार्टिसिपेट करो भाई. 100 से ऊपर आज बच्चे menti.com के क्विज में होने चाहिए, ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिशन अच्छा खासा मिले. तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज 37. 37 इज द करेक्ट आंसर. यानी 2005 तक की अगर हम बात करें, 2000 से पहले ये 25 हुआ करते थे, लेकिन 2005 के बाद जो है 37 हो रहे. ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही. ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मजा आ रही है क्वेश्चन सुनने में और करने पर, भाई बहुत अच्छी बात है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 20th क्वेश्चन आ चुका है हमारा. विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है. नेशनल गेम ऑफ इंडिया, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और नन ऑफ दीस. इन चारों में से आपको बताना है नेशनल गेम ऑफ इंडिया आखिरकार कौन सा है. विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? menti.com का क्विज बेटा क्या होता है, जरूर से लास्ट तक जुड़े रहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल गेम? बेटा स्टैटिक जीके का भी कोर्स मैं अनअकैडमी प्लस में ही लेकर आ रही हूँ, जून के महीने पर लेकर आऊंगी इंशाल्लाह. तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं. ओके, तो नेशनल गेम ऑफ इंडिया आखिरकार इसमें से कोई नहीं है. एक्चुअली नेशनल गेम ऑफ इंडिया किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे डिफाइन नहीं है. इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है जो कि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे डिफाइन है, इसलिए नन ऑफ दीज. अगर इसको ज्यादातर लोग हॉकी मानते हैं, हॉकी आप कहा करते हैं, लेकिन एक्चुअली हॉकी इसका सही आंसर नहीं है. इसका आंसर है नन ऑफ दीज. ठीक है, ओके, चलो मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का फॉलो कर लो, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी. ठीक है, परफेक्ट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टर्म महात्मा टू गांधी जी? गांधी जी को ये जो टाइटल मिला था महात्मा का, ये टाइटल आखिरकार किसने दिया? चार ऑप्शन है आपके सामने, मदन मोहन मालवीय,
खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले और रविंद्रनाथ टैगोर, इन चारों में से आपको बताना है हु गेव द टर्म महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को ये जो टर्म महात्मा दिया है वो आखिरकार इसमें से किसने दिया? मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले और रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ जी, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ जी, अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है बेटा डी, ये दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी के ऑप्शन के बारे में बात कर दो, ए को महामन्ना कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय महामन्ना। बी को हम क्या कहते हैं? बी ने फ्रंटियर गांधी नाम दिया। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। देन रविंद्रनाथ टैगोर ने ये टर्म दिया महात्मा किसको? गांधी जी को। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। डन, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इंडियन रिवर क्रॉसेस द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? कौन सी इंडियन रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है? अब ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में बचपन में हम कितनी बार पढ़ते थे, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आपको बताना है कौन सी इंडियन नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है? चार ऑप्शन है, माही, लुंगी, पेनगंगा और वैनगंगा। इन चारों में से कौन सी इंडियन नदी जो है वो दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो दैट इज ए, यानी माही नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, फिर उसके बाद हम menti.com का क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहो, शेयर करते जाओ, ताकि menti.com का क्विज आखिर में हम कंडक्ट कर सकें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बिल्कुल, ज्यादातर सही आंसर दे रहे हैं माही नदी। यस, परफेक्ट, माही, नॉट महेंद्र सिंह धोनी। चलो ठीक है, व्हाट इज सर क्रीक? सर क्रीक आखिरकार क्या है? सर क्रीक याद करो, सर क्रीक मैंने आपको पढ़ाया है, द ब्रिटिश आर्किटेक्ट हु डिजाइन सिटी ऑफ चंडीगढ़, यानी उस ब्रिटिश आर्किटेक्ट का नाम है जिसने चंडीगढ़ की सिटी डिजाइन करी। द एंडेंजर्ड रॉयल स्पीशीज ऑफ पैरट विद गोल्डन बीक, यानी इस ये सरक्रीक एक रॉयल स्पीशी है पैरट की जिसकी गोल्डन बीक है। द टाइटल एस्टुअरी डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टाइटल एस्टुअरी के बीच का डिस्प्यूट है वो है सरक्रीक। और चौथा है द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ यूके टू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आजाद होने के बाद भारत की तरफ से यूके जाने वाला पहला अंबेसडर। इन चारों में से आपको बताना है सर क्रीक क्या है। सर क्रीक याद करिए, मैंने आपको ऑलरेडी स्टैटिक जीके के पोर्शन में इसके बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सर क्रीक क्या है बेटा? सर क्रीक है सी, दैट इज द टाइटल एस्टुअरी डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डन, परफेक्ट, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक हैज नेवर बीन हेल्ड बाय एनीवन इन इंडिया? इसमें से कौन सा रैंक जो है वो किसी के द्वारा इंडिया में हेल्ड नहीं करा जाता है? चार ऑप्शन है, फील्ड मार्शल आर्मी, एडमायरल ऑफ द फ्लीट नेवी, मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन चारों में से कौन सा रैंक ऐसा है बेटा जो कि इंडिया में किसी ने अब तक हेल्ड नहीं किया है? फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट नेवी, मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है बी, दैट इज एडमिरल ऑफ फ्लीट नेवी। ये एक ऐसी रैंक है जो अब तक इंडिया में किसी ने हेल्ड नहीं करी है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मैम, लास्ट 5 मिनट, कैन यू रीड अवर कमेंट्स? हाँ जी बिल्कुल बेटा, मैं कमेंट साथ साथ रीड करती जा रही हूँ। अब आप सारे के सारे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिलहाल ऐसा कोई खास कमेंट आ नहीं रहा है जिसका मुझे जवाब देना है, लेकिन अगर हाँ कोई खास कमेंट आ रहा है जिसका मुझे जवाब देना है तो मैं बिल्कुल कमेंट्स देख रही हूँ और मैं जवाब भी दे रही हूँ। ठीक है, ओके, menti.com का क्विज लास्ट में होने वाला है, तो आप बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो हर जगह, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह, ताकि स्टूडेंट्स और जुड़े, ताकि हम menti.com का क्विज अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉर टाइम अवार्ड? इसमें से कौन सा वॉर टाइम अवार्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध काल में पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सम्मान है?
चार ऑप्शन है आप सबके लिए, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र। हां जी आंसर देना स्टार्ट करिए। मैम मेरा जवाब दे दो। मनीष शर्मा बेटा पूछ लो क्या जवाब दिया आपने, फिर से पूछो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉर टाइम अवार्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध काल में पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। चार ऑप्शन है आपके पास, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है दैट इज ए, यानी वीर चक्र। वीर चक्र इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं minty.com के क्विज की। सबसे पहले जल्दी से सब के सब यहां पर क्या करो, www.minty.com में जाओ, ये वाली वेबसाइट पर जाओ www.minty.com और इस कोड का इस्तेमाल करो 927594। इस कोड का इस्तेमाल करो। हाँ जी जल्दी से भाई सब के सब जाओ www.menti.com एंड इस कोड का इस्तेमाल करो, जिस कोड का नाम क्या है 927594। तुम सब भी चलो और मैं भी चलती हूँ वहां पर। हाँ जी तुम सब भी चलो और मैं भी चलती हूँ वहां पर www.menti.com एंड यूज द कोड 927594। कोड है 927594। जल्दी से आओ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ जी www.menti.com बस इतना डालो एंड यूज द कोड 927594। हाँ जी ओके भाई जुड़ जाए जल्दी से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर, फिर उसके बाद हम अपने क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्विज, पहला क्वेश्चन, ठीक है ओके ध्यान से देखिए। व्हाट विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चार ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी एंड नन। भारत का नेशनल गेम कौन सा है, ये उसी में से क्वेश्चन पूछती हूँ ताकि मैं देखती हूँ कि तुम में से लास्ट तक किसने अटेंड किया है और minty.com के क्विज पे, फिर मैं देखती हूँ कि किसने किसने जल्दी आंसर देकर फर्स्ट में आता है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी एंड नन। तो इसका सही आंसर क्या है। हाँ जी तो ज्यादातर लोग जो है दिमाग में मान के चलते हैं कि हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, एक्चुअली नहीं, इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 43 लोगों ने नन ऑफ दीज इसका आंसर दिया है जो कि सही है। चलिए लीडरशिप बोर्ड देखते हैं सबसे फास्ट किसने आंसर दिया। हाँ जी लीडरशिप बोर्ड देखते हैं कि सबसे फास्ट किसने आंसर दिया है। हाँ जी तो यहाँ पर नाम जो है बड़े अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो टाई है शान अहमद और आनंद सिंह, ठीक है। देन ज्योति, निकोलस, नेमो, गो कोरोना, ऋषभ बजाज, प्रतीक परिहार, अल्लू नल्लू बल्लू और गौरव, ये है फिलहाल टॉप 10 स्टूडेंट फिलहाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से क्वेश्चन ध्यान से देखो स्क्रीन पर और आंसर देना स्टार्ट करना। जल्दी से ध्यान पे देखो स्क्रीन पर और आंसर देना स्टार्ट करना। नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड आखिरकार किसको दिया जाता है। चार ऑप्शन है। हाँ जी जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो, उसका सही आंसर क्या है। हाँ जी वुमेन रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट, ठीक है, वुमेन रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट, बाकी वुमेन हु फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, देयर हस्बैंड हु हेल्प इन हाउसहोल्ड एंड फीमेल सीईओस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, ओके वुमेन टू रिकॉग्नाइज अर्जुन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वुमेन टू रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट। 45 लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो देखते हैं कि फिलहाल टॉप के स्टूडेंट कौन है जिसने फास्टेस्ट आंसर दिया है। निधि तिवारी ने अपने नाम के आगे एक अच्छा सा दिल लगा लिया, ये दिल मेरे लिए ना निधि तिवारी। तो गौरव इज द फास्टेस्ट, अभी तक जो है गौरव फास्टेस्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से दीजिए और आंसर दीजिए। हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, वुलर लेक फ्रेश वाटर, सांबर लेक सॉल्ट वाटर, चिलिका लेक फ्रेश वाटर एंड पुलिकत लेक सॉल्ट वाटर। इन चारों में से आपको बताना है करेक्टली मैच आखिरकार कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
हाँ जी यस मैम, सिर्फ मेरे लिए। चलो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया निधि तिवारी। इन चारों में से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है। हाँ जी, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो दैट इज चिलिका लेक फ्रेश वॉटर। 48 लोगों ने सही आंसर दिया है, और फास्टेस्ट किसने दिया है, क्योंकि चिलिका लेक आप जानते हैं क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है, नॉट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, तो फास्टेस्ट कौन रहा है फिलहाल? फिलहाल फास्टेस्ट है निधि तिवारी, नहीं ओके डॉक्टर आनंद सिंह, नॉट सॉरी निधि तिवारी नहीं, डॉक्टर आनंद सिंह जो है वो फिलहाल फास्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, कौन से एयरपोर्ट है इंडिया में जिसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है? चार ऑप्शन है, शिमला, सिक्किम, लेह और माउंट आबू। लॉन्गेस्ट या सॉरी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, कौन सा एयरपोर्ट का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है? शिमला, सिक्किम, लेह और माउंट आबू, तो इसका सही आंसर क्या है? मैं गूगल पे चली गई थी ढूंढने, किरण जादव नहीं बेटा, तुमको menti.com के क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो सिंपल www.menti.com डालो और कोड का इस्तेमाल कर लो 927594, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 46 लोगों ने सही आंसर दिया है, और इन 46 में फास्टेस्ट किसने आंसर दिया है, जो सही आंसर दिया है? हाँ जी, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। तो लेह इज द करेक्ट आंसर, बट किसने फास्टेस्ट दिया है? ऋषभ बजाज ने फास्टेस्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। ओके, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सा स्टेट इंडिया का है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों में से कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? समुद्र तट रेखा जिसकी सबसे लंबी है, चार ऑप्शन है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तो इसका सही आंसर क्या है? हाँ जी, से जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन चारों में से इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? इसका सही आंसर है गुजरात। 44 लोगों ने सही आंसर दिया है, और फिलहाल देखते हैं फास्टेस्ट, इन 44 में से फास्टेस्ट कौन है जिसने आंसर दिया। हाँ जी, फास्टेस्ट इज परफेक्ट, तो फास्टेस्ट है दो लोग है, अल्लू नल्लू बल्लू और ऋषभ बजाज। कैसा नाम है भाई, अल्लू नल्लू बल्लू, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देन डिसाइड होगा कि कौन टॉप किया है menti.com के क्विज पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ नॉट ऑन डेथ, अभी बताया मैंने आपको, इसमें से कौन सा मार्टियर डे है जो कि जन्म के मौके पर होता है, ना कि शहीद के मौके पर होता है, यानी ना कि उसके मौके पर होता है। चार ऑप्शन है, जन 30th जनवरी महात्मा गांधी, 23rd मार्च शहीद भगत सिंह, 17 नवंबर लाला लाजपत राय और 19 नवंबर रानी लक्ष्मी बाई, तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। ओके, तो इसका सही आंसर है दैट इज 19th नवंबर रानी लक्ष्मी बाई। 36 लोगों ने सही आंसर दिया है। चलो पोल का रिजल्ट दिखाते हैं, देखते हैं टॉप किसने किया है, टॉप किसने किया है, किसके सबसे ज्यादा पॉइंट में फिलहाल कौन है जो टॉप की पोजीशन पर आया है। तो अगर हम बात करते हैं कि अभी का फास्टेस्ट कौन है, फास्टेस्ट थे अल्लू बल्लू लल्लू, लेकिन गौरव ने 5903 पॉइंट के साथ टॉप किया है इस क्विज में। कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव, अब जल्दी से वापस यूट्यूब में आओ, तुम सारे के सारे बच्चे वापस यूट्यूब में जुड़ो, जल्दी से वापस यहाँ पर आओ, और गौरव जी आप आकर जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी, गौरव जी जल्दी से आके यहाँ पर कमेंट करिए, कौन है गौरव जिसने टॉप किया है। ओके, तो गौरव जी इन्होंने टॉप किया है, इन्होंने फास्टेस्ट जो है आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके, तो अनअकैडमी में आपका भाई ये menti.com का क्विज आपका अगेन सक्सेसफुल रहा। आज की क्लास स्टैटिक जीके के ऊपर थी। एक बार मैं तुमको अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल बता देती हूँ बेटा, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है unacademy.com/@freeintriple8। इसको टाइप करोगे ना एड्रेस बार पर तो आपको मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, फॉलो करोगे ना तो आपको तमाम मेरे आने वाले कमिंग बैचेस के बारे में, लाइव आने का नोटिफिकेशन, बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, और मेरा बैच बेटा कल से स्टार्ट हो रहा है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस में मंडे से, जो कि सुबह होगा 10 से 11।
तो इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा बेटा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है Afreen111। देखो अगर ये कोड लगाते हो ना तो जो भी तुम्हारी फीस चल रही है उस पर आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है आप जानते ही हो। सब्सक्रिप्शन का फायदा बेटा ये है कि आपको सारी की सारी क्लास को लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा, वेदर इट्स मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ फ्री आपको लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा। और इसका बहुत ही सस्ता है, सोचो आप 12 महीने के लिए सिर्फ 6,000 रुपए पे कर रहे हो, और 6,000 में भी अगर मेरा कोड इस्तेमाल करोगे ना Afreen111, ये जैसे ही कोड लगाया तुमने, इस कोड लगाने पर आपको 6,000 में 600 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 5,400। यानी समझो सिर्फ 5,400 में आप पूरे साल भर के लिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। इससे सस्ता आपको कहां पर मिलेगा, ठीक है? तो इससे सस्ता आपको कहां मिलेगा, तो भाई ज्यादा से ज्यादा जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, जुड़ो, कल से मेरा एक नया बैच स्टार्ट करो, ठीक है? चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है? और अनअकैडमी में मेरे साथ जुड़िए। नेक्स्ट क्लास कल होगी 4 बजे, टाइमिंग सेम रहता है, कल की क्लास 4 बजे होगी। भाई नोटिफिकेशन ना भी आया करे तब भी जुड़ जाया करो, ठीक है? चलो अदीब आलम, मैंने आपका नाम ले लिया। चलो तो आज की क्लास खत्म करें। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास तुम सबको खूब अच्छी लगी होगी और खूब अच्छे से पसंद आई होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।